नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर, मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं हम यहां पे 101 से 100 तक के। आप जो पिछले जो हमारे लेसन है उसके अंदर आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं 101 से। देखिए, केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, केंद्रक है उनका निर्माण है वो किनके द्वारा होता है? तो यहाँ पे गुणसूत्र है उनके द्वारा होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? जो आरएनए है उसमें थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यूरेसिल है वो पाया जाता है। जबकि देखिए, आरएनए है उसमें थायमिन नहीं होकर कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार या बेस पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए की गतिशील और स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो देखिए, डीएनए के जो गतिशील और स्थान बदलने वाले खंड है उनको संज्ञा दी गई है ट्रांसपोसोन। तो ध्यान रख लीजिएगा, ट्रांसपोसोन है वो दी गई है स्थान बदलने। और राइबोजाइम क्या है? तो देखिए, राइबोजाइम है वो क्या है? एंजाइम की भांति कार्य करने वाले आरएनए है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, राइबोजाइम क्या है? एंजाइम की भांति कार्य करने वाले आरएनए है। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो देखिए, कोशिका के अंदर 20 प्रकार के टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है वो पाए जाते हैं। और एमिनो अम्लों की संख्या भी आपको पता है कि 20 ही होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एमिनो अम्लों की संख्या के बराबर होती है। किस आरएनए में आरएनए पाया जाता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे टीआरएनए है उसमें पाया जाता है। ये थोड़ा सा प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो देखिए, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है वो देता है डीएनए। और कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रहने पाए जाते नहीं, आरएनए है यहाँ पे। तो कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। डीएनए से डीएनए बनने की विधि को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, डीएनए से डीएनए बनने की विधि है उसको हम द्विगुणन या डुप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है? सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। देखिए, डीएनए से आरएनए बनने की जो विधि है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और सर्वप्रथम इसकी खोज है वो कहाँ की गई थी? तो देखिए, इसकी सर्वप्रथम खोज है वो ट्यूमर वायरस के अंदर की गई थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डीएनए से आरएनए बनने की ट्रांसक्रिप्शन विधि को। और आरएनए से डीएनए बनने की विधि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, यहाँ पे हमने ऊपर किया था कि डीएनए से आरएनए बनने की विधि को हम क्या कहते थे? ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? उल्टा अनुलेखन कहेंगे या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो ध्यान रख लीजिएगा, देखिए, अनुलेखन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने की विधि को, तो उल्टा, अगर उल्टा बन रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? उल्टा कहेंगे। ठीक है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉनसन ने 1909 में किया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किनके द्वारा की गई? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उनकी खोज है वो की गई थी टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1975 में। सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था? तो कॉर्नबर्ग है, उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। यस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। तो देखिए, यस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उनके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रख लीजिएगा, यस्ट गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? और सट्टन और बावेरी है उनके द्वारा सर्वप्रथम गुणसूत्रवाद दिया गया था। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो देखिए, सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन की खोज है वो की गई थी वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। असूत्री विभाजन पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें असूत्री विभाजन है वो पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो देखिए, डीएनए और हिस्टोन है, ये प्रोटीन है, ये कोशिका चक्र है उसकी एस अवस्था है उसके अंदर बनते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, एस अवस्था में ये बनते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? तो दोस्तों, कैंसर है वो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद हो जाने के कारण क्या होता है? कैंसर बन जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, कैंसर बनने का कारण है सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर।
शरीर के घावों को भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? तो शरीर के घावों को भरना सूत्री विभाजन है, उसका परिणाम होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जाइगोट किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो सूत्री विभाजन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। जाइगोट है वो किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो असूत्री कोश विभाजन है, असूत्री विभाजन की खोज है वो की गई थी फार्मर तथा मूरे के द्वारा। विनिमय जिसको आप कहेंगे कि एक तरह से क्रॉस ओवर में किस अवस्था में होता है? तो क्रॉस ओवर किस अवस्था में होगा? तो पेंचिटिन अवस्था है उसमें होता है। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आदि किस अवस्था में रह जाती है? तो प्रथम एनालेज है, एनाफेज है, उसमें क्या हो जाती है? गुणसूत्रों की संख्या घटकर आदि रह जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम एनाफेज है उसमें रह जाती है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे वन लाइनर जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आपके हम टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। अभी सेल और एमसीक्यूज का पार्ट चल रहा है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और ये आपके लैब असिस्टेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप इसको घोल कर भी जाओ, आपके एग्जाम में ये आएंगे आएंगे। और जो भाई दूसरे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या SSCGD की तैयारी कर रहे हैं उनको कहूँगा कि आप भी इनको अच्छे से तैयार कर ले। आपके हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, सारे नहीं पूछे जाए, पर लैब असिस्टेंट वाले तो भाई घोल के पी जाना इसको, ठीक है। दोस्तों अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर करना, उनको बताना कि यहाँ लैब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और SSCGD के लिए हमारी क्लास चलती है, 9 बजे इस क्लास का समय रहता है और वन लाइनर क्वेश्चन भी हम लेके आते हैं। तो शेयर जरूर किया करें दोस्तों। और इसकी जो PDF फाइल है वो आप हमारी वेबसाइट jpbhakar.com है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत।